दो बच्चियों के साथ शनि मंदिर के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का कहना है कि उसके पिता की दी हुई जमीन पर उसके जीजा ने कब्जा कर लिया है। महिला कुछ दिन पहले भी इसी तरह से न्याय मांग चुकी थी, तब भी उसे ऐसे ही आश्वासन देकर नीचे उतारा गया था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होने पर महिला ने एक बार फिर वही कदम उठाया। हालांकि इस बार महिला को मनाने में कई घंटे लग गए और एक बार फिर एसडीएम ने समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पिछले 10 दिन से चली रही है। अब जो महिला सीमा बाई हैं, इन ये दो बहन और दो भाई, और इनकी माँ के नाम से 11 एकड़ 11.5 एकड़ जमीन है जी। अब ये चाहती हैं कि मुझे बिना आवेदन दिए, बिना आवेदन दिए मौके पे जाके मेरे हिस्से की जमीन मैं जो चाहती हूँ, जिस जहाँ से मैं चाहती हूँ वहाँ से दे दी जाए जी। अब चूँकि ज़मीन खराब है और आधी अच्छी है, तो सभी लोगों को उसमें नियमानुसार बराबर जमीन मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जननायक शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, और बुधनी की सबसे बड़ी तहसील नसरुल्लगंज। नसरुल्लगंज तहसील में अगर कोई महिला अपनी बेटी के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारी उत्थान और बेटी बचाओ आंदोलन का नारा देते हैं, और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसी पानी की टंकी पर अगर एक महिला अपनी बेटी के साथ चढ़ी है, तो कोई बहुत बड़ी पीड़ा रही होगी, बहुत बड़ी परेशानी उस महिला के साथ रही होगी। एक बार चढ़ गई थी वो, इसके बाद उसको उतार लिया गया, पुनः उसकी बेटी। चले तो प्राइम 9 में फिलहाल इतना ही।